क्या बोल रही आप? कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बड़े खुश हैं, आज जुम्मा है। जुम्मे के साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी आई है कि मेरा और फैसल का, फैसल और मैं साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम दोनों का वीज़ा आ गया है और हम लोग इंशाल्लाह ताला उम्रा करने जा रहे हैं। जी हाँ, उम्रे की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। मैं 3 साल हो गए मुझे नहीं किया और फैसल को तकरीबन 8-9 साल हो गए। और बड़ा जो है ना वो अंदर से ये था कि यार पता नहीं क्यों, एक होता है ना कि याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो प्लान है ना ये बड़ा सडन बना है और बना ऐसे है कि जैसे आप लोगों ने अगर मेरी वो वीडियो देखी कराची इज़ ड्राइंग करके थोड़े दिनों पहले वायरल हो गई थी, काफ़ी बड़ा डिप्रेस था मैं, हर बंदे के मैसेजेस आए कि हाँ यार हम भी आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो कॉन्टेंट भी नहीं बन रहा, टेंशन चल रही है, अजीब सा हो रहा था। तो मेरे दिल में ऐसी बात आई कि हो सकता है कि मतलब आई एम श्योर कि ये सुकून है ना इसकी जो तलाश कर रहा हूँ मुझे वहीं से मिलेगा, मदीना से, मक्का से। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि यार मेरा दिल चाह रहा है अभी हम लोग भी चलेंगे साथ, लेकिन अभी मैं होके आ जाऊँ, मतलब कम दिन के लिए जाऊँगा। वाइफ ने कहा भाई अगर ऐसा है तो आप जाएँ बिल्कुल, ताकि आप थोड़ा सा सुकून में तो आएँ। तो बस फिर वो आई गई, हो गई बात। अभी थोड़े दिनों पहले फैसल के साथ ही बैठा हुआ था, जो हम लोग मैच खेल के आए थे ना, जो यूट्यूबर्स होते हैं, हम लोग जीत गए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग। फैसल ने निकाला कि यार मेरा भी उम्रे का मूड हो रहा है। मैंने कहा मेरा भी हो रहा है भाई, चलो भाई सीन बनाओ। तो हमने 5-6 दिन का एक ये छोटा सा ट्रिप प्लान कर लिया, अभी फैसल के पास ही जा रहा हूँ। ये जगह थी जहाँ पे हमारा कैमरा और मोबाइल स्नैच हुआ था, तो जब भी देखते हैं ना कोई बाइक आ रही है तो ना दिल जो ना धक धक होता है इसकी गली में ज्यादातर। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, आपको वीजा आ गया उम्रे का। सलाम भाई, साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक चीज मुझे ये डिस्कस करनी थी भाई आप लोगों से भी। फैसल ये कह रहा था कि यार क्योंकि इसके बाल कम है कि आप देख सकते हैं, तो बोल रहा था यार मैं उम्रे के बाद ना गंजा नहीं होऊंगा। तो मैंने बोला भाई हो सकता है यार तुम जब गंजे हो जाओ उसके बाद ऐसे बाल आ जाए फुल सिल्क की। तो भाई फैसल भाई आपने अब क्या इरादा कर लिया कि हो जाएंगे? देखो मैं पहले भी उम्रा कर चुका हूँ, नहीं है सिल्क की लेकिन अभी दोबारा हो जाओगे ना? होना पड़ेगा, मजबूरी है सर। भाई हम लोग आ गए हैं, कहाँ आ गए फैसल भाई? आयशा मंजिल आ गए आराम लेने। अच्छा बच्चे के हिसाब का लोगे ना तुम तो, छोटे से हो। टोपी और चप्पल, चौपी चप्पल और आराम चाहिए भाई। चले भाई ये आराम पसंद कर लिए हमने, ये तौलिए वाला। और फैसल भाई भी बेल्ट पहन के देख रहे हैं, बेल्ट जरूरी है वरना उसको डर ये है कि आराम जो है कहीं गिर ना जाए। एक पॉकेट जा गई और दूसरी साइड। अच्छा अच्छा ये बाहर वाली या अंदर वाली है? सही। जैसे भाई उम्रे का सामान हो गया है, ये हमने साबुन ले लें बगैर खुशबू वाले, क्योंकि खुशबू नहीं लगानी होती। बेल्ट हो गई, आराम हो गया, और ये हो गई तस्बीह, यानी ये वो तवाफ़ वाली तस्बीह होती है 7 दानों वाली। एक आपने तवाफ़ कर लिया, एक चक्कर के बाद एक ऊपर कर दिया ताकि आपको याद रहे, अक्सर भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आराम ले लिया है, अब आ गए हैं मस्जिद, असर का टाइम है। डेली आपका भाई जो है ना ये व्लॉग के अंदर बोलेगा, जब जब व्लॉग बनाऊंगा बोलूंगा, ताकि इससे मैं भी जो है ना वो रहूं कि यार तुझे भी नमाज़ पढ़नी और लोग जो भी देख रहे हैं उनको भी पढ़नी है। इंशाल्लाह एहराम की खुशी में फैसल भाई की तरफ से ट्रीट है। टोपियां देनी ना अभी टोपियां दी इसको। अच्छा, टोपी दे दी भाई इन्होंने, टोपी मतलब असली वाली टोपी है ना। मैंने 3 टोपियाँ ली है, तो फैसल भाई ने कहा ये हमारी तरफ से, मैंने कहा कि यार इसकी भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा भाई मैंने अपनी चीज़ें इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तमाम चीज़ें हैं, आराम क्योंकि मैं 3 साल पहले गया था तो रखा हुआ था, ड्राई क्लीन के लिए दे दिया है, बेल्ट की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ऐसा टाइट करके आराम मानता हूँ कि कोई मसला ही नहीं है कि नीचे जाने का, डर ही नहीं है। इसके अलावा बैग भी है, बैग भी धुलवा लिया, वो भी सूख रहा है, और वो तस्बीह भी रख ली है हमने 7 दानों वाली, छोटी तस्बीह भी रख ली है, और बस रह गई तो चप्पल लेंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में। बाकी ये कि रियाल भी आ गए हैं तो सारी सेटिंग पूरी हो गई है, बस अब ये है कि कब जाएँ और जल्दी से बुध आ जाए तो फिर हम निकलें। और अभी बेगम कह रही है कहीं आउटिंग पे चलें, तो भाई आउटिंग समझ रहे हो आउटिंग चप्पलें लेने का कह रही थी भाई, मैं अपनी चप्पलें लेने आया था ना। हाँ लेकिन मुझे भी पसंद आ गई, आपको पसंद नहीं आ रही, मुझे पसंद आ गई, मुझे दिलाते हैं। इस बात पर एक मीम बनता है वुमेन भाई जितने भी शादीशुदा मर्द हजरात है ना वो इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती ना तो आपकी वाइफ आपको दिलाएंगी। अभी भी ऐसे ही हुआ, बेगम ने बोला फुल इंटरेस्ट से जो है ना हमें शॉपिंग कराई है, मुझे एक चप्पल लेनी थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना पूरे बाटा में ना एक आवाज़ गूंज गई, सुने करके बोला, और फिर जो है वो शूज़ भी ले लिया।
तो मेरी चप्पल आई 1600 की और बेगम का शूज आया 5000 के। वाह, कहने को वो हमारी शॉपिंग हो गई। ये आपको चप्पल दिखा देते हैं, चप्पल हमने ले ली, ये थोड़ी सी जनाना टाइप की लग रही है मुझे पहनने के बाद, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट सी चाहिए थी क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ चलना बहुत पड़ता है, तो हमने ये ले ली है। और ये अच्छी खासी जो है ना नरम है, ये देख सकते हैं आप, पहनने के बाद जो है ना सुकून मिल रहा है। तो ये चप्पल हमने ले ली है और यहाँ पर हम फिर आराम से चल फिर सकते हैं पूरे हरम में और पूरे मक्का में मदीना में। अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि मैं जाहिर सी बात है तरीका भूल गया उमरे का, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा, हाउ आई परफॉर्म उमरा। तो उसके अंदर मैंने एक एक डिटेल शूट भी की थी, बताई भी थी, दुआ भी बताई थी। तो देखें, वो मैंने बनाई तो लोगों के लिए थी कि उनको काम आया, और बहुत कमेंट्स भी ऐसे आए कि भैया मैंने कशन भाई आपकी ये वीडियो देखकर उमरा किया, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन आज वो मेरे ही काम आ रही है। मैं वो वीडियो देख बैठ के देख रहा था और मैं समझ रहा था कि अच्छा अच्छा हाँ, ये भी था, ये भी था, ये प्रोसीजर होता है, 6 चीज़ें ये करनी है, इस्तलाम ऐसे करना है, सही करनी है, रमल क्या है, हलक क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब समझ में आई दोबारा से ना, 3 साल हो गए, बंदा यूज टू नहीं होता तो भूल जाता है। तो जो है ना ये मेरी वीडियो, उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद मैंने गलत किया, क्योंकि लोग कमेंट आ रहे थे अबे भाई तुम, लेकिन अब फिर अंदाज़ा हो गया कि नहीं भाई, लोग तो हर चीज़ में कीड़े निकालेंगे आप अगर सच्चे दिल से अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि वही है ना आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर अच्छी नीयत के साथ आप कोई काम कर रहे हो ना, तो अल्लाह पाक आपको अजर देंगे। और कितने कमेंट ऐसे आए कि यार हमें नहीं पता था वो जो सही के दरमियान ग्रीन लाइट्स में भाग रहे होते हैं उसमें ये दुआ पढ़नी होती है, हम तो वैसे ही बस तेज़ भाग रहे होते थे। तो भाई हूँ आप लोगों से भी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ करिए कि हमारा उमरा हम लोग खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से आएं, अच्छे से उमरा मकबूल उमरा हम लोग करके आएं। और जिन लोगों को मिलने की ख्वाहिश है वो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि भाई फ्री टाइम में, जो हमारा फ्री टाइम होगा उसके अंदर हम यहाँ होंगे, तो वहाँ मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे में रह रहे होते हैं और उनको मिलने की ख्वाहिश होती है, तो इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे। बस यार अब ये 5 दिन रह गए, मैं आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं व्लॉग बना रहा हूँ, 5 दिन है बस, ये जो है ना कट नहीं रहे, बस वीज़ा आ गया ना, बस जल्दी से चीज़ें पैकिंग हो और निकलें यार उस सफ़र पर। सीरियसली यार कभी भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, अल्लाह पाक इस जज्बे को कायम रखे, बस ये भी दुआ करनी चाहिए आपको कि जज्बे के साथ जाएं आप। कौन आ गया ये? चलो हम लोग खुद ही फिर स्नूकर खेलते, सेंचुरी वेंचुरी खेल लेता हूँ। यार आप बोल के बुला लेते ना कि आपने ब्लॉग करना है या क्या। अबे बस ना, हो गया ब्लॉग, 30 सेकंड का रह गया। 25 बार काटने के बाद दोबारा काट रहा है लड़का, इसी बारी में नहीं जाएगी। पता है ना यार, हमें ना एक्सपीरियंस बोलता है मेरे भाई। भाई अभी सीख रहे ना यार, ताविज भाई से सीख रहे ना यार। कहाँ है तुम्हारा चैनल वो गंजा गेमर, लोग ढूंढ रहे हैं कब तक आएगा, कब आएगा। इन प्रोग्रेस। तो भाई ये अब हमारा थोड़ा मी टाइम है, सही है भाई, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब करें यार, और बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया से। सही है भाई, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अपने ख्याल रखते हैं, चलो इंशाल्लाह।